ताकि तो इसी तरह तो इसलिए ये भी इस तरह तो इसी तरह ये तो इसीलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो एक सेकेंड यार, हाँ अब ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था कि ये वाली स्टोरी टाइम वाली वीडियो बनाऊं के ना, तो पता नहीं वो जो 5-6 लोग कमेंट करते हैं उनका ध्यान किधर होता है। उन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया और अपना हैवी ओपी वाला कमेंट करके निकलते बने। हालांकि उस वीडियो में हैवी और ओपी वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि मुझे पता है, मुझे यकीन है खुद पे कि मेरी वीडियोस फ्यूचर में ना बहुत अच्छे होने वाली हैं। मतलब कि ड्रोन शॉट, ये शॉर्ट, स्लोमो, वीआईपी वाले शॉर्ट्स आएंगे और लोगों को वो पसंद भी आएगी। लेकिन ये जो अब मैं बना रहा हूँ और जो मैंने पहले 50-60 वीडियोस बना चुका हूँ, वो एक मतलब कि प्रोसेस था, वो मैं छुपाना नहीं चाहता। अल्लाह करेगा लोगों का प्यार मिलेगा तो ये जो चीज़ होगी ये मुझे शौक ही नहीं मानने देगी, ये मुझे ना गुरूर नहीं करने देगी कि पैसा क्या थे और क्या बन गए हो, तो अपनी औकात में रहो। अच्छा जी, तो अब आते हैं टाइटल पे। टाइटल है आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, या यही होगा, या शायद मैं चेंज कर दूँ इसको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं पूरा पाकिस्तानी नहीं हूँ, हाफ़ हूँ पाकिस्तानी। यार अभी रुक जो, ये जो नमक हराम ये गंदी गालियाँ देने लगे थे ना यार, रुक जो, पूरी बात तो सुन लो। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरा बर्थ प्लेस मेरी जो है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जिनको नहीं पता, दुबई, ठीक है, दुबई मुल्क नहीं है, दुबई उसका शहर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो मैं अरब और पाकिस्तानी कैसे हुआ? तो जो दुबई है और शारजा, उनके दरमियान एक हॉस्पिटल आता है, अल कासमी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैं पैदा हुआ था, 2000 की मेरी बर्थ है और 1 से 5 तक मैं वहाँ पर ही पढ़ा और वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया था पाकिस्तानी इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो जो लोग उधर रहते हैं, तो मुझे क्योंकि 10 साल पुरानी बात है, मुझे क्लियर याद नहीं है। वहाँ पर एक पुल होती थी स्कूल के थोड़ी सी दूरी, और वहाँ पर उस टाइम ना मंदिर बन रहा था, एक मंदिर। तो अगर कोई लोग उधर के हैं तो उनको पता चल गया होगा मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह 5 तक मैं उधर पढ़ा और मेरी क्लास भी मुझे याद है, इधर कच्ची रोड होती थी, वहाँ से एंटर होते थे ना स्कूल में पाकिस्तानी इस्लामिया में। तो राइट साइड पर एक कूलर लगा होता था नुक्कड़ पे पानी वाला, और उसके बिल्कुल साथ मेरी क्लास थी और वहाँ पर अरबी वगैरह पढ़ते थे हम। मतलब कि सारी बुक्स पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, सब कुछ पढ़ाते थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे काफ़ी दोस्त थे। यार अगर आप में से कोई देख है तो कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा आपको। तो बड़ी मुझे खुशी होगी यार अगर आप मेरे क्लास फेलो मिल जाओ। मुझे ना, मुझे किसी क्लास फेलो का नहीं आता, तो क्योंकि बच्चा था तब 5 क्लास में, मतलब कि 6-7 साल का था, नहीं 6-7 का नहीं, 5 क्लास में कितने का बच्चा होता है। तो ये थी मेरी ज़िंदगी के स्टार्ट की जर्नी, तो कैसे मैं वहाँ पर पैदा होकर पाकिस्तान आया, तो ये सीन था। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यार अब बता देना, वरना नहीं आनी अब तो मैंने डाल दिया लेकिन अब नहीं आनी। एक दो लोग ही कह दो यार, वो फिर बंदा स्क्रीनशॉट लेकर ना यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देते हैं, तो थोड़ी वो बन जाती है, क्या कहते हैं, रेपो बन जाती है। तो ये सीन है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। सुन ले खुदा इस बंदे के जो उठ गए हाथ मांगने, ये पड़ा है जो इसने ना कभी था मांगा, दिल की बात हाँ मन की बात जो कह रहा तू। सुन खुदा ना कर ना दूर, तू कर दे पास, तू कर दे इससे अपने तू पास खुदा। ये बंदा